चैप्टर पैरेलल स्टोरी में चल रही इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यूज का ही कंटिन्यूएशन है। इसमें रॉबर्ट ओकॉनर द्वारा डॉक्टर ज़ुकी नाकाज़ावा के लिए गए इंटरव्यू का सार है। डॉक्टर ज़ुकी नाकाज़ावा राइस बाउल हिल के पास ही एक क्लिनिक चलाते हैं। बच्चों के बेहोश होने के बाद डॉक्टर नाकाज़ावा को ही देखने के लिए बुलाया गया था। जब तक कि डॉक्टर नाकाज़ावा वहाँ पहुँचते, तब तक बच्चों को होश आना शुरू हो गया था। उन्होंने बच्चों को पूरी तरह एग्जामिन किया और वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन बच्चों को हुआ क्या था और उनका किस तरह से इलाज किया जा सकता था। डॉक्टर नाकाज़ावा कहते हैं कि उन्हें पहले लगा कि क्योंकि बच्चे मशरूम लेने गए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने जंगली पॉइजनस मशरूम खा लिए हों, और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि अलग अलग तरीके के मशरूम का अलग अलग टॉक्सिसिटी लेवल होता है। उन्होंने सभी बच्चों को एक एक करके चेक करना शुरू किया। एक बच्ची की आंख चेक करते हुए उसकी आंखों पर टॉर्च की लाइट डाली गई तो उन्हें उसकी प्यूपल से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि वो देख सकती थी, फिर भी किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स उसकी आंखों ने नहीं दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी बच्चों के साथ यही किया और सब में सेम बिहेवियर ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट किए। इससे वो ये फाइनल कर पाए कि उन बच्चों को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई थी। ये सिम्टम्स सन स्ट्रोक जैसे भी लग रहे थे, मगर क्योंकि ये नवंबर का मंथ था और इस मौसम में सन स्ट्रोक का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं उठता। फिर डॉक्टर नाकाज़ावा को लगा कि हो सकता है कोई पॉइजनस गैस वहाँ लीक हुई हो। हालांकि ये अजीब है कि बीच जंगल में वो पॉइजनस गैस आई भी तो कहाँ से आई, मगर यही एक रीज़न लग रहा था कि बच्चों पर एक एक करके उस गैस ने असर किया और वो गिर गए। और टीचर पर शायद असर इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि हो सकता है गैस इतनी कंसंट्रेशन की ना हो कि किसी एडल्ट को अफेक्ट कर सके। रॉबर्ट ओकॉनर के पूछने पर कि क्या उन्हें कोई अजीब स्मेल या ओडर वहाँ महसूस हुआ था, पर डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने 4-5 लंबी लंबी सांसें ली थी ताकि ये चेक कर सकें, मगर उन्हें वहाँ सिर्फ पेड़ों की और फूलों की खुशबू आ रही थी। ओकॉनर पूछते हैं कि बच्चों की आंखें इधर उधर चलने के अलावा क्या और कुछ ऐसा था जो उन्हें अजीब लगा हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके अलावा कुछ और भी ऐसा नहीं था जो उन्होंने नोटिस किया हो, बस वो बच्चे कुछ और देख रहे थे, कुछ ऐसा जिसे हम नहीं देख सकते, और वो सभी एक्सप्रेशनलेस और बेहद शांत, बिना किसी घबराहट या डर के थे। थोड़ी ही देर बाद जब उन बच्चों से उस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। वो सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनकी आंखें भी अब टॉर्च को नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रही थी। इन्हीं में से एक बच्चा जिसका नाम सातोरू नाकाता था अभी भी बेहोश था, उसकी आंखें आगे पीछे चल रही थी। बाकी बच्चे खुद से चलकर हिल के नीचे उतर गए थे, मगर नाकाता को उठाकर ले जाया गया। कई दिन बीत गए और सभी बच्चे लगभग इस घटना से रिकवर हो चुके थे। उन्हें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं था, सिर्फ नाकाता को छोड़कर। नाकाता को कोफू में स्थित यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर उसे मिलिट्री हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जिसके बाद वो कभी इस टाउन में वापस नहीं आया। इस घटना को पूरी तरीके से एक सीक्रेट रखा गया था ताकि लोगों में किसी तरीके का कोई डर का माहौल ना बने। किसी भी न्यूज़पेपर में इस घटना का जिक्र तक मौजूद नहीं है। तो कुछ ऐसी अजीब सी घटना हुई थी बुक की पैरेलल स्टोरी के किरदार नाकाता के साथ। दोस्तों, मैं पर्सनली नाकाता को बहुत एडमायर करती हूँ। उसका इतना सिंपल कैरेक्टर और एक साफ दिल जो इस दुनिया में मौजूद लोगों के पास शायद ही हो। पूरी बुक खत्म करने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि मैं नाकाता के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, एक ट्रिब्यूट के तौर पर। अगले पार्ट में हम वापस काफ्का की जिंदगी की ओर चलेंगे। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड फिट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन फॉर एनी अदर बुक यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन हियर। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।